हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वीडियो के टॉपिक को जानते हैं और फिर जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो आखिरकार दोस्तों, अभी अभी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो कि है लेटर टू एट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, एट बोर्ड स्टूडेंट्स के एग्जाम हो चुके हैं और एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। जी हाँ, सही सुना आपने। तो किस तरह से स्टूडेंट्स जो है अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए दोस्तों, मैंने स्कूल लॉग इन किया है। स्कूल लॉग इन करने के बाद आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं एग्जामिनेशन पोर्टल पे आता हूँ, वहां पे रिजल्ट मार्च 2022 लिखा आ रहा है। तो मैं उस लिंक पे क्लिक करूंगा। वहां पे दो लिंक है जी, रिजल्ट फॉर प्राइमरी, क्योंकि जो फिफ्थ क्लास का जो रिजल्ट है वो तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन मिडल टर्म वन मार्क्स, जी हाँ दोस्तों, एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो टर्म वन का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया है। अभी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। तो आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा जी, टर्म वन के जितने भी रिजल्ट हैं या जितने भी मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, वो आपको दिखाई देने लग जाएंगे। आप उसे बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो जितने भी एट बोर्ड स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्कूल से कांटेक्ट करके अपने जो मार्क्स हैं वो जान सकते हैं जी। यही एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही।